Welcome back to my channel. My name is Shivani and I hope you all are doing great. So, आज मैं करने वाली हूँ एक और चीज की unboxing. Because you all are my family, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी share करूँ कि मैंने क्या मंगाया है online. So, मैंने मंगाया है एक बहुत मस्त चीज. ये आपको तभी दिखेगा जब मैं खोल दूंगी, of course. सो अगेन, आज बहुत लेजी डे है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है. यार प्लीज जज मत करना, मैं सारे काम करती हूँ. अभी जस्ट खाना खा के आई हूँ, खाना लगा के आई हूँ एंड अदरित की भी अच्छे से टेक केयर करती हूँ. तो प्लीज जज मत करना कि लेजी डे है तो मैं आराम ही फरमाती रहती हूँ पूरे दिन. नहीं, ऐसा नहीं है, सारे काम करती हूँ. बट बहुत कभी कभी यू नो, एक तो आई डोंट लाइक, आई हेट विंटर्स. मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को विंटर्स अच्छे लगते हैं, समर्स बहुत कम लोगों को अच्छे लगते हैं. बट मुझे समर्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि एक तो विंटर्स ना में मतलब अजीब सा ही हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है. आराम से अपना ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से रेस्ट करते रहो, कोई डिस्टर्ब ना करे. और अब मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि अदृत है, और अदृत को जब भी मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, अदृत को वो टाइम पे शुशु पॉटी खाना दूध उसको सब वो टाइम पे चाहिए होता है जिस टाइम पे मैं रेस्ट कर रही होती हूँ. ठीक है, तो मेरे साथ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है. मैं कभी बोलती हूँ कि अदृत चलो अब सो जाते हैं, न्यो तो उसका न्यो ही चालू रहता है हमेशा. तो अभी भी वो मम्मी पापा ही उसे देख रहे हैं. तो मैंने सोचा जितनी देर मम्मी पापा है नीचे उतनी देर मैं अपना ये अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ इसकी. सो मैंने ऑनलाइन मंगाया है एक बहुत मस्त चीज. सो चलिए जल्दी से इसको खोल लेते हैं. सारे टूल्स रख के बैठी हूँ मैं अपने पास. और हाँ, जैसे मैंने फोन पहले खोल के देख लिया था, ये मैंने बिल्कुल पहले खोल के नहीं देखा. ये मेरे बाल कैसे हो रहे हैं कर लेती हूँ. सो ये मैंने बिल्कुल खोल के नहीं देखा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पैक्ड है ये देखिए. है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने ही ये खोलूंगी. तो मैं अब इसको खोलने वाली हूँ. अगर आपने मेरा एंड मेरी सिस्टर इन लॉ का एक वो वाला व्लॉग नहीं देखा है जिसमें मैंने उनको पिक किया था, मैं स्कूटी से थी, वो कार से आई थी, तो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी हम लोगों को ना, क्योंकि मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाई वो बीच का क्योंकि मैं स्कूटी चला रही थी. तो अभी उसी के लिए मैंने ये मंगाया है. सो थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ, कैमरा दिख नहीं रहा है. Yes, I think now you all can see. Yes, so ये हमने मंगाया है bobogears.com से. एंड इनके प्रोडक्ट्स Amazon पे भी मिलते हैं लेकिन हमने ये डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया है. तो बहुत अच्छी पैकेजिंग करके दी है और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. एंड बस जस्ट मेरे को लगा कि इन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दिए हैं. इस वेबसाइट से मैं बहुत सारे और भी पहले प्रोडक्ट्स मंगा चुकी हूँ तो सर्विसेज आर वेरी गुड. अगर कुछ डैमेज निकलता है, कुछ खराब निकलता है तो इजीली हम वापस कर सकते हैं. रिटर्न पॉलिसीज एंड वो सब चीजें बहुत सही हैं. सो ये है, कुछ ऐसा पैकेजिंग है एंड ये ऐसे स्टिकर में लिख के भी देते हैं, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर दीपा टीम बोबो. सो ये ऐसे भी एक स्टिकर लगा के देते हैं. सो अगर आपने मेरा एंड मेरी सिस्टर इन लॉ का वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा. उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी तो मैं रास्ते में बीच का कुछ शूट नहीं कर पाई थी. उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड ये मैंने अपनी स्कूटी के लिए मंगाया कि कभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ या कहीं जा रही हूँ और दीपक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैं आराम से ये अपने स्कूटर में अपने एक्टिवा पे सेट कर लूं एंड इसमें फिर कैमरा अच्छे से सेट हो जाएगा. तो ये व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है. तो ये है, इसमें कुछ ये सब निकला है तो ये अभी देखना पड़ेगा कि कैसे ये सेट होगा स्कूटी में. ये सब ये छोटे छोटे टूल्स इसमें ऐसे निकले हैं, देखिए ये ऐसे. एंड ये आई थिंक इसका होल्डर है जहाँ कैमरा फोन लगेगा. तो ये अभी हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे
सेट करेंगे, और जब ये सेट हो जाएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। अभी हमें इसमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, वीडियोस देखने पड़ेंगे कि कैसे हम ये अपने स्कूटी में लगाएंगे। जो इसके बारे में जो मुझे थोड़ा पता है, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, मुझे ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये सब मंगाने में दीपक ही मुझे बहुत हेल्प करते हैं। खैर, हम दोनों ही ढूंढते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, फिर उसमें से हम लोग फाइनलाइज करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स मैंने निकाले होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स दीपक ने निकाले होते हैं, फिर हम लोग उनमें से फाइनलाइज करते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो फिर हम वो ऑर्डर कर देते हैं उसके रिव्यूज देख के, एंड वो सब चीजें देख के, कंफर्टेबल है उसमें नहीं है, कंपैटिबिलिटी, वो सब देख के। ये हमने फिर फाइनलाइज किया। ये भी हमको बहुत दिनों से पेंडिंग था मंगाना, बट ये फिर हमने फाइनलाइज कर दिया कि अब हम ये मंगाने वाले हैं। द प्रोडक्ट नेम इज जॉग ग्रिप बाइक फोन होल्डर विथ फास्ट यूएसबी 3.0 चार्जर। इसमें 3 एम्पियर का चार्जर भी है, एंड ये आपके बाइक और स्कूटी दोनों में लग सकता है। दैट्स इट। और ये अभी हम लगाते हैं अपने स्कूटी में, और फिर जब वो लग जाएगा स्कूटी में तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। हेलो एवरीबॉडी, सो फाइनली हमने ये लगा दिया है। हमने क्या, मैंने थोड़ी कम मेहनत की है, दीपक ने थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, बट फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए हैं ये लगाने में। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मैं नहीं, अब दीपक आपको बताएंगे कि ये हमने कैसे लगाया है। सो इसके लिए सबसे मेन ये है कि अब मेरे को व्लॉगिंग बहुत ईजी हो जाएगी। अब आगे का दीपक बताएंगे कि उन्होंने कैसे लगाया है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये हमने कैसे लगाया है। यहाँ पे रियर व्यू मिरर लगा हुआ था, वो रियर व्यू मिरर निकाल दिया हमने, और उसके नीचे जो बोल्ट लगता है रियर व्यू मिरर के लिए, उस बोल्ट के ऊपर ये 4 इंची की लेंथ का पाइप हमने वेल्ड कर दिया था, और उसके बाद उस बोल्ट को हमने इसमें कस दिया, तो हमारा ये बेस तैयार हो गया। और उसके बाद हमने इस पे ये क्लैंप कर दिया, जो ये इसके साथ पूरा सिस्टम जो आया था वो हमने इसके ऊपर क्लैंप कर दिया है। यहाँ पे एलन की से ये टाइट हो जाता है, एलन की इसके साथ ही आती है। एंड अभी हम आपको दिखाएंगे, इसके नीचे ऑन ऑफ स्विच है, पीछे की साइड एक ऑन ऑफ स्विच है, जो आपका अगर आपको चार्जिंग करनी है या चार्जिंग नहीं करनी तो उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के कैप में है तो पानी वानी का भी स्ट्रेस नहीं है, और इसका ये वायर हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया है। इसमें 3 एम्पियर का चार्जिंग मिलता है हमें, जो हाई स्पीड चार्जिंग है। अब हम आपको जल्दी से इसमें फोन लगा के दिखा देते हैं कैसा लगता है और वीडियो कैसी आती है। ये यहाँ से साइड से हम इसे खोल सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। ये हमारा फोन है, ये फोन इसमें हमने लगा दिया है, और अब हम इसे यहाँ से टाइट कर देते हैं। और इसके नीचे ये होने की वजह से आपको फुल सपोर्ट मिलता है, और टाइट होने के बाद आपके कितने भी बम्स हो या यू नो गड्ढे वगैरह हो या जो भी हो, तो आपका फोन कहीं नहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं, मैं इसका कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं ये लग गया है, और अब हम ये फ्रंट कैमरा इसका ऑन है, हम इसे बैक कैमरा कर देते हैं। एंड यू कैन सी इसको, और इसको हम आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे अपने हिसाब से जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो बैक टू शिवानी, प्लीज टेक ओवर। सो दैट्स इट, आज का ये छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे वीडियोस को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ध्यान रखिए अच्छे से, आप अपनी टेक केयर कीजिए, एंड बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने ये जो रियर व्यू मिरर का बोल्ट है, इसके पीछे ये 4 इंची का पाइप, 1 इंच का डायमीटर है इसका, उसको वेल्ड करा दिया है।